साहब वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारे पंजाबियों को देशवासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, एक बड़ी भयानक बीमारी का आप सामना कर रहे हैं। आज जी बीमारी है यदा कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, यदा इलाज अपने को जिमें देश के प्रधानमंत्री ने, पंजाब के मुख्यमंत्री ने, सारे डॉक्टर ने अपील की है कि इलाज इको एक है कि आप घरें रहिए, एक दूजे को अपना जो मिलना बंद करिए। जे आप आज जी अपील प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, जो डॉक्टर की, एक महीना मान लो एक महीना आप अपने आप को घरें रख लीए, मैं कहना आप 100% आ बीमारी जित लो। आ जी बीमारी है आ खास करके बुजुर्ग तो बच्चों इस बीमारी का असर ज़्यादा होंगे, तो जिड़े अपने परिवार अपने बुजुर्ग है तो जो बच्चे है उन्होंने खास करके परिवार को अपील है कि अपने बुजुर्गों को बिल्कुल बच्चों बाहर नहीं लेके आओ। पिछले 3-4 दिन मैं टीवी भी देखा तो आम रिपोर्टा भी आई हैं कि पंजाब की जनता देशवासी इस बीमारी को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, बाहर घूम रहे फिर रहे हैं, ऐ सोचते कि छुट्टी है, आ छुट्टी नहीं है। जे आप इस बीमारी जितना अपने हाथ है, कोई औखा नहीं सौखा है जितना। मैं तुम्हें अपील करना चाहना, देखो डॉक्टर नर्स अपने पुलिस कर्मचारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वो सारे अपनी जान थैली च रख के अपनी सेवा से लगे है, उन्होंने एक निशाना है कि आप सारे सिक्योर होइए। आता हो सकते हैं जे आप उन्होंने गल मनीए। मैं धन्यवाद करना चाहना डॉक्टर जिन्हें अपने डॉक्टर साहबान है, नर्सिज है, तो अपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो 24 घंटे सड़कों पर लोगों को बेनती कर रहे हैं, उन्होंने बेनती तो सरकार की बेनती आप मन के आप सारे करे रहिए। तो मैं यकीन है 100% मैं गारंटी दिना कि थोड़े दिन की गल है आप इस बीमारी को जित प्राप्त करा। तो मैं आ भी बेनती करना चाहना है कि आप अरदास परमात्मा के चरणों अरदास भी करिए कि सानू हिम्मत दे कि इस बीमारी तो आप जित प्राप्त करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का फतेह। Watch Daily Hitachi, Voice of Nation.